उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में चल रहा अवैध बार, घर से ही संचालित बार और बैठने की व्यवस्था, साथ ही पुलिस को कानाकान खबर ना होना, क्या ऐसा हो सकता है? नियमों का उल्लंघन और असुख का पावर। ड्राई डे और धार्मिक त्योहार पर जब आमतौर पर शराब की दुकानें बंद रहती है, तब यहाँ चलता रहता है अवैध कारोबार। जिम्मेदार कौन? आपको बता दें कि उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में ब्राह्मणों का गुड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से घर के अंदर परोसी जा रही शराब, चलाया जा रहा बार, पति पत्नी मिलकर कर रहे अवैध व्यापार, नियमों का कर रहे अवहेलना। इन्हें प्रशासन और कार्रवाई का कोई डर नहीं, क्योंकि रहते हैं भारी रसूख। घर के अंदर से ही परोसी जा रही शराब और पिलाई जा रही शराब, बैठने की भी व्यवस्था। सुखेर थाना पुलिस आजकल बहुत एक्शन में नजर आ रही है। कई बड़े बड़े मामले सुखेर थाना ने फिलहाल वक्त में सुलझाए हैं, पर इस तरह की अवैध गतिविधि पर नजर न होना, कैसा होना मुमकिन लगता है? पर यह पुलिस और क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों की चूक कह सकते हैं। अब इस पर रोक लगेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।